मैंने घंटा आधा घंटा लगा के आ गया और फाख्ता अभी भी वहीं पे बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो कैसे हैं साहब, ठीक ठाक हैं? तो अभी जो है बारिश होके हटी है, तो वो चेक करें सामने जो है ना, वो कहते हैं फाख्ता बैठी हुई आज भी। दूसरा परिंदा भी यहीं पे कहीं पे बैठा था, वह अभी उड़ के चला गया और वो बैठी है। तो तकरीबन रोजाना ही ना ये यहाँ पे बैठी होती है। तो गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि अपना मोबाइल है ना वो चेंज करूँ, तो थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी को मैं बेहतर करना चाह रहा हूँ और थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी। मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा कैमरा है ना, तो ये काफी ज्यादा जो नॉइज है वो कैच करता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक मोबाइल देखा जाए जिसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो, इससे कैमरा भी अच्छा हो और जो है उसकी प्राइस भी जो है कम हो। तो मेरी रेंज जो है बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए हाथ थोड़ा सा तंग है, तो आपकी सपोर्ट थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से अभी तक कैमरा क्वालिटी जो है ना मेरी इंप्रूव नहीं हो सकी। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी दिल करेगा ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाने का और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैमरा इस्तेमाल करने का। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियोस नहीं भी देखना चाह रहे तो फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपने मेरी वीडियो पे क्लिक कर दिया, प्लीज सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं। अभी मैं सोच रहा हूं कि ना ये मोबाइल देखें और अपनी रेंज के अंदर अगर मिल जाए तो फिर रिजल्ट कंपेयर करेंगे दोनों का। अगर तो उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो फिर मैं खरीद लूंगा। तो फिलहाल जो ना मैं देख रहा हूँ, तो वहां पे भी एक गुलहरी थी तो वह भी वापस चली गई और एक गुलहरी जो ना इधर फिर रही है। तो अभी दिखाता हूँ आपको, नजर आ गई तो नहीं यहाँ पे गई है, तो अंदर ही कहीं घूम रही है। मौसम की सुविधा कुछ ऐसी है कि अभी हमने कपड़े धो के ना ऊपर यहाँ पे टांगे थे तो सूखने के लिए, तो अचानक ही बादल आए और अचानक ही तेज बारिश हो गई और हमारे कपड़े जो है सारे गीले हो गए। तो बड़ी तेजी तेजी से जैसे में हमने उठाए हैं यहाँ से, काफी हद तक सारे कपड़े गीले हो गए थे। अभी चलते हैं बाजार और देख के आते हैं कि कोई मोबाइल जो है, वैसे जो मेरी नजर में मोबाइल है ना वो मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन 7 है ना, 7 प्लस तो महंगा हो जाएगा। 7 प्लस अगर मिल जाए ना लो रेंज में तो उसका कैमरा चेक करेंगे, अगर अच्छा हुआ ना इससे तो फिर उसे बाय करने की कोशिश करूंगा पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके। तो अगर नहीं मिला तो फिर इसी से गुजारा करेंगे हम। नवीर भाई को बुला लिया था, नवीर भाई भी आ रहे हैं, अभी चलते हैं बाजार। अभी बादल हैं तो अभी भी ना थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी फवार जो है वो पड़ रही है, लेकिन खैर अभी इतनी बारिश होगी नहीं। तो चलते हैं बाजार, देख के आते हैं क्या मिलता है हमें आज। नवीर भाई भी आ गए हैं भाई। अभी ये पहली दुकान है यहाँ पे, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। यहाँ से तो मोबाइल देख लिया, तो यहाँ से एक पसंद आया तो अभी मार्केट घूमते हैं थोड़ी सी। वैसे अभी हम मार्केट से होके आ गए हैं, तो मार्केट से काफी ज्यादा फोन जो है अवेलेबल है। तो एक फोन जो है जो हमारी रेंज में मिल रहा था, बाकी जो फोन थे कोई 52,000 का था, कोई लाख का था, कोई 1.5 लाख का था। तो हमारी रेंज में एक फोन मिल रहा था तो वो था iPhone 7, जो कि मैं सोच रहा था लेने का। तो एक तो वो 32 GB का मिल रहा था और दूसरा जो उसका इशू मुझे लग रहा है ना कि जितना वाइड एंगल कैमरा मेरे इस मोबाइल का ना, तो वो उसका इतना वाइड एंगल नहीं है। तो व्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा कैमरा जो है ना वाइड एंगल हो, ताकि अपनी शक्ल भी नजर आए और पीछे जो व्यू है वो भी सारा नजर आए, तो व्लॉगिंग में फिर मजा आता है। जिसकी वजह से मैं कैमरा चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि वाइड भी हो और रिजल्ट भी अच्छा हो। तो फिलहाल उस सूरत में अभी मुझे डाउट है कि वो मोबाइल मुझे नहीं लेना चाहिए। अभी मैं बाजार से होके तकरीबन घंटा आधा घंटा लगा के आ गया और फाख्ता अभी भी वहीं पे बैठी है। तो पता नहीं यहाँ कहीं इर्द गिर्द इसका घोंसला होगा या ये नहीं पता कहाँ पे घोंसला है, लेकिन अभी भी यहीं पे बैठी है। ये अब अभी देखें कि पीछे सारा आपको ना वाइड एंगल पे सारा कुछ नजर आ रहा है। तो इस तरह का मुझे कैमरा चाहिए था कि जिसमें रिजल्ट भी अच्छा हो और वाइड एंगल भी ज्यादा हो, तो इस किस्म का मुझे चाहिए था। लेकिन आईफोन जो 7 है, आईफोन 7 हो गया, आईफोन 7 प्लस हो गया, आईफोन SE हो गया, आईफोन XR हो गया, यहाँ तक तो जितने भी कैमराज है ना उनका वाइड एंगल इतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है आईफोन 11 जो है ना, उसका फिर वाइड एंगल आ जाता है और फिर उससे ऊपर जितने भी हैं वो वाइड एंगल आ जाता है, लेकिन फिर उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो जो कि मैं अभी फिलहाल जो इस आज की पोजीशन में ना, तो मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। पता नहीं मुस्तकबिल में कभी अफोर्ड कर सकूंगा कि नहीं, बस ये आपकी सपोर्ट के साथ ही हो सकेगा जो भी मुमकिन हुआ। तो आज चौको चिप जरिए ना सारे लगा दे आले, हाँ एक दो नहीं बस ठीक है, बस दाना हो गया। तो अभी गए ये 3 डब्बे जो है ना मैं बिस्किट्स के लेके आ गया हूँ, तो अभी ये बांटेंगे। तो कहाँ बांटेंगे तो अभी मैं आपको घर जाके बताता हूँ क्यों बांटने। तो ये बिस्किट के डब्बे मैं लेके क्यों आया हूँ तो अभी ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो बिस्किट के डब्बे मैं इसलिए लेके आऊँ, तो मैं सोच रहा था बैठा के यार हम
जो है महीने में मैं अपनी बाइक के ऊपर तकरीबन 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 2,000 खर्चा मेरी बाइक के ऊपर आ जाता है पेट्रोल का, और भी जो उसके छोटे मोटे काम होते हैं, कह लगे अच्छा खासा खर्चा जो है ना बाइक पे हो जाता है। तो बाइक पे मैं लगा देता हूँ सारे पैसे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना थोड़े से पैसे जो गए, अभी तकरीबन कुछ भी नहीं है मेरे बाइक के खर्चे के हिसाब से, थोड़े से पैसे मैंने लगाए हैं इन बिस्किट्स के डब्बे लेने में, और ये डब्बे मैं बांटूंगा जाके गरीब जो बच्चे होते हैं ना, वो झोपड़ी वाले जो होते हैं खाना बदोश, उनके बच्चों को जाके बांटेंगे और उनके चेहरे में स्माइल लाने की कोशिश करेंगे। ये एक कह लेंगे मैं कोशिश करने जा रहा हूँ अपनी तरफ से कोई अच्छा काम करने की, बस यही मेरी कोशिश ही है कि वो खुश हो जाए, उनके चेहरे में स्माइल आए। तो अभी चलते हैं बच्चों को बांटने के लिए और उनकी जो है स्माइल देखते हैं कैसा है, वो खुश होते हैं कि नहीं होते। चलेगा इस अभी चलते हैं और बांट के आते हैं। अभी का हम जो जगह है वहाँ पे पहुँच गए, मेरे पीछे आपको झोंपड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और इस साइड पे जो पीछे है वो झोंपड़ियाँ, तो वहाँ पे बच्चे भी फिर रहे हैं। तो अभी बांटते हैं और बच्चों को बुलाता हूँ और शुरू करते हैं बांटने के लिए। जाइए हो जिन्हें मिली जाता हो जाइए। अभी मैं आ गया हूँ घर, तो ये बच गए, तो ये अभी मोहल्ले के बच्चों को बांट देंगे और कुछ इधर उधर बांट देंगे, थोड़े से ले गए तो काफी ज्यादा, तो वहीं पे बांट दिए थे। फिर अभी बच गए तकरीबन 7:30 हो गए, तो मैं बैठा यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ ये ब्लॉग फिर यहीं पे खत्म कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको आज मेरा ब्लॉग जो अच्छा लगा होगा और मेरी कोशिश जो है आपको पसंद आई होगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। तब तक इतना ही, अल्लाह।